Hello everyone, my name is Avdesh Tyagi. In this video, we will discuss about the second part of steam condensers. We already have covered the first part of steam condensers in the previous video. So this topic, steam condensers, is covered in the unit number 3 of the subject Applied Thermodynamics having subject code KME401. And in this video, we will discuss about the low-level jet condensers. तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे जेट कंडेंसर्स को हम पांच अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस में रख सकते हैं, जिसमें हम लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर को देखते हैं, दूसरा है लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर, तीसरा है हाई लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर, चौथा है हाई लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर और पांचवा है इजेक्टर कंडेंसर। तो अब हम इन पांचों की वर्किंग देखेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो क्या है और लो लेवल और हाई लेवल क्या है। तो सबसे पहले हम पैरेलल एंड काउंटर फ्लो कंडेंसर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, कंडेंसर में दो तरह के फ्लूइड आते हैं। एक आता है हमारा हॉट फ्लूइड जो कि एग्जॉस्ट स्टीम होता है और दूसरा होता है कोल्ड फ्लूइड जो कि हमारा वाटर होता है। तो अगर इनके फ्लो की डायरेक्शन एक जैसी हो, दोनों की फ्लो की डायरेक्शन सेम हो, या तो वो LHS से RHS की तरफ जा रहे हो, या RHS से LHS की तरफ आ रहे हो, या फिर वर्टिकली वो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रहे हो, या वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहे हो, तो दोनों ही जो फ्लूइड्स हैं, स्टीम और वाटर, उनके अगर फ्लो की डायरेक्शन अगर सेम है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसको हम पैरेलल फ्लो कंडेंसर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे काउंटर फ्लो कंडेंसर्स होते हैं, उसमें हमारे फ्लो की डायरेक्शन, जो दोनों ही फ्लूइड्स हैं उनके फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर एक हमारा फ्लूइड अगर LHS से RHS की तरफ जा रहा है, तो दूसरा फ्लूइड RHS से LHS की तरफ होगा। वहीं अगर कोई फ्लूइड वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दूसरा फ्लूइड वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के फ्लो की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए इसको हम काउंटर फ्लो कंडेंसर बोलते हैं। अब हम देखते हैं हाई एंड लो लेवल जेट कंडेंसर क्या होते हैं। देखिए, हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा 10.363 मीटर का जो वाटर कॉलम होता है, वो नियर अबाउट 1 atm प्रेशर के बराबर प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो अगर हम इसको हम एक लिमिट मान लें कि जो 10.363 मीटर का जो वाटर कॉलम है, ये जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उतना प्रेशर अगर हमें मिलता है बिटवीन कंडेंसर और हॉट वेल, तो हम दो तरीके के कंडेंसर्स को हम देख सकते हैं। पहला है लो लेवल जेट कंडेंसर। तो लो लेवल जेट कंडेंसर जो होता है, उसमें कंडेंसर और जो हॉट वेल है, उनके बीच में जो एलिवेशन का जो डिफरेंस है, उनके हाइट में जो एलिवेशन का डिफरेंस है, वो 10.363 मीटर से कम होता है, इसलिए इसको लो लेवल जेट कंडेंसर बोलते हैं। क्योंकि इनके लेवल में जो डिफरेंस है, वो हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की हुई है 10.363 मीटर, जो कि नियर अबाउट 1 atm प्रेशर के बराबर होती है। तो उससे अगर वो वैल्यू कम है, उनके हाइट जो है, उनके एलिवेशन की वैल्यू उससे कम है, तो उसको हम लो लेवल जेट कंडेंसर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ, यही जो कंडेंसर और जो हॉट वेल है, इनके बीच का जो एलिवेशन डिफरेंस है, अगर वो 10.363 मीटर के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो उसको हम हाई लेवल जेट कंडेंसर बोलते हैं। इसी वजह से हाई लेवल जेट कंडेंसर को हम बैरोमेट्रिक कंडेंसर भी बोलते हैं। अब हम लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये उसका स्केमेटिक डायग्राम है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम इसके टाइटल से कोरिलेट करते हैं। तो इस डायग्राम को पहले हम जूम इन करके देखते हैं। तो ये हमारा लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर है। तो इसमें हम देखते हैं इसके टाइटल में सबसे पहले लो लेवल क्यों है। जैसे हम देख सकते हैं कि लो लेवल कंडेंसर हम उन कंडेंसर्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे कंडेंसर और हॉट वेल के बीच में जो एलिवेशन का डिफरेंस है, वो 10.363 मीटर से कम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये हॉट वेल का एलिवेशन है और जो हमारा कंडेंसर का एलिवेशन है, इन एलिवेशंस में जो डिफरेंस है, वो 10.363 मीटर से कम है। तो इस वजह से ये हमारा लो लेवल कंडेंसर हो गया। अब ये पैरेलल फ्लो क्यों है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एग्जॉस्ट स्टीम है, जो कि स्टीम टरबाइन से आ रही है, उसके अगर फ्लो की हम डायरेक्शन देखें, तो इसके फ्लो की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है।
तो ये इस तरह से हमारे कंडेंसर में नीचे की तरफ आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस एग्जॉस्ट स्टीम को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, जो कूलिंग पॉइंट से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा है, अगर हम उसकी तरफ देखें तो उसकी भी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स किस वजह से है वो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर हमारा जो कंडेंसर है उसके हम लेफ्ट में अगर देखें तो एक ये एयर एक्सटेंशन पंप बना हुआ है। तो ये एयर एक्सटेंशन पंप को जब हम ऑन करते हैं तो ये एयर एक्सटेंशन पंप इस कंडेंसर यूनिट में से एयर को बाहर निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो इस कंडेंसर यूनिट में पार्शियल वैक्यूम जनरेट होता है। तो पार्शियल वैक्यूम जनरेट होने से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहीं बाहर अगर हम देखें तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब जो कूलिंग पॉइंट है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये हम देखें कि कूलिंग पॉइंट पर जो हमारा अब हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कंडेंसर यूनिट के अंदर हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, कूलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो कोल्ड वाटर है वो कूलिंग पॉइंट से कंडेंसर यूनिट की तरफ अपना फ्लो शुरू कर देगा और यहाँ पर हमें कोई पंप भी नहीं चाहिए होगा, देयर इज नो नीड ऑफ पंप हियर। तो विदाउट पंपिंग हमारा कोल्ड वाटर कूलिंग पॉइंट से इधर कंडेंसर में आ गया है। और अब वाटर की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, जस्ट लाइक स्टीम। तो अब स्टीम और वाटर इन दोनों की जो फ्लो की जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है, इसलिए इसको पैरेलल फ्लो हम कंडेंसर बोलेंगे। अब ये जेट कंडेंसर क्यों है? तो जेट कंडेंसर ये इस वजह से है कि जो कोल्ड वाटर जो अब फ्लो हो रहा है, ये सबसे पहले ये जो एक प्लेट है, परफोरेटेड प्लेट है, इसमें कुछ होल्स बने होते हैं, तो पानी यहाँ पर आता है। उसके बाद इन होल्स से पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो ये जो इस वजह से पानी के साथ जो ऊपर से आने वाली जो स्टीम है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है। तो और क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी तो इसको हम मिक्सिंग टाइप कंडेंसर बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम जेट कंडेंसर भी है। और यहाँ पर एक चीज़ हम और देखें कि यहाँ पर बैफल प्लेट्स भी हमने लगाई हुई हैं। तो इन बैफल प्लेट्स का जो फंक्शन है वो ये होता है कि वो इनके फ्लो में कुछ ऑब्स्टेकल्स पैदा करती हैं, कुछ अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे हमारी एग्जॉस्ट स्टीम और जो हमारा ये जो कोल्ड वाटर है इनको कॉन्टैक्ट के लिए ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन मिलती है। उसके बाद जब ये आपस में कॉन्टैक्ट कर चुके होते हैं तो ये दोनों कोल्ड वाटर और जो एग्जॉस्ट सिस्टम का जो मिक्सचर है वो कंडेंसेट की फॉर्म में कंडेंसर में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी स्टीम का कंडेंसेशन हो गया है। अब ये जो कंडेंसेट है इसको हम एक कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की मदद से, ये हमारा एक कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, इसकी मदद से हम कंडेंसर यूनिट से निकाल के एक हॉट वेल में स्टोर कर लेते हैं। तो हॉट वेल में स्टोर करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर हमारा कंडेंसेट अगर प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम बॉयलर में भेज देते हैं, इसको हम डायरेक्ट बॉयलर में भेज देंगे। लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं तो उसको हम डायरेक्ट बॉयलर में भेजने की बजाय हम इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं और उसके बाद उसको बॉयलर में भेजते हैं। तो जब हॉट वेल में भी मान लीजिए एक पर्टिकुलर लेवल तक हमारा कंडेंसेट अब इकट्ठा हो चुका है, अब उसके बाद अगर उसमें ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है तो उस ओवरफ्लो को भी मैनेज करने के लिए हम हॉट वेल से एक ओवरफ्लो पाइपलाइन कूलिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और हमारा कूलिंग पॉइंट में ये ओवरफ्लो जो हमारा कंडेंसेट है वो कूलिंग पॉइंट में आ जाता है। अब कूलिंग पॉइंट में ये जो हमारा कंडेंसेट आ चुका है ये ठंडा होता है तो फिर से कोल्ड वाटर बन जाता है और उस कोल्ड वाटर को हम फिर से वापस कंडेंसर यूनिट में ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये हमारे लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर की वर्किंग है। अब हम लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर की वर्किंग देखेंगे। तो ये हमारा लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर है। अगेन इसके टाइटल को अगर हम फिर से कोरिलेट करके देखें तो यहां पर हमारा जो हॉट वेल है उसका एलिवेशन अगर हम देखें यहां पे ड्रॉ करके, तो ये जो इसका हॉट वेल का एलिवेशन है और ये जो हमारा कंडेंसर का एलिवेशन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 10.363 मीटर से कम है, तो इसलिए हम इसको लो लेवल कंडेंसर बोलेंगे। ये हमारा
लो लेवल कंडेंसर हो गया। अब यहां पर हम देखें ये काउंटर फ्लो क्यों है। ये काउंटर फ्लो हमारा इस वजह से है क्योंकि इस वाले केस में हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो प्रीवियस केस से बिल्कुल अलग है। इस वाले केस में हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। ये एग्जॉस्ट स्टीम हमारी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, लेकिन जो हमारे कूलिंग वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो प्रीवियस केस की तरह अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टीम के फ्लो की डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड है और कूलिंग वाटर के फ्लो की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो इस वजह से हम इसको काउंटर फ्लो कंडेंसर बोलेंगे। अब ये जेट कंडेंसर क्यों है? ये जेट कंडेंसर इस वजह से है कि कूलिंग वाटर जब हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, सर्कुलेशन की वजह वही है कि जब हम कंडेंसर यूनिट में एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगा के इसमें से एयर बाहर खींच लेते हैं तो इसके अंदर पार्शियल वैक्यूम जनरेट होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, जबकि कूलिंग पॉइंट में बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से विदाउट नीड ऑफ एनी पंप हमारा कूलिंग वाटर इस कंडेंसर यूनिट के अंदर चले जाता है। अगेन फिर से अगर आप यहाँ पे देखें तो तीन अरेंजमेंट है LMN, ये बैफल प्लेट्स हैं, यहाँ पर आपका वाटर स्टोर होता है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरने लगता है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ गिर रही हैं जबकि स्टीम अपना ऊपर की तरफ उठ रही है। तो यहाँ पे दोनों का फिर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए काउंटर फ्लो है। और कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बाद दोनों एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर दोनों नीचे कंडेंसेट की फॉर्म में कंडेंसर के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं प्रीवियस केस की तरह। उसके बाद हम एक एयर एक्सट्रैक्शन पंप का यूज करके कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप का यूज करके जो कंडेंसेट है उसको हम हॉट वेल में भेज देते हैं। अगेन अगर वो प्योर होगा, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी कंडेंसेट में, तो उसको हम डायरेक्ट बॉयलर में भेजेंगे, अदरवाइज हम उसको पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज के उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और उसके बाद बॉयलर में भेजते हैं। फिर हॉट वेल का अगर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर लेवल चला जाता है तो हम कंडेंसेट को ओवरफ्लो पाइपलाइन की मदद से फिर से कूलिंग पॉइंट में भेज देते हैं और कूलिंग पॉइंट में फिर से हमारे कूलिंग वाटर की कूलिंग होती है और उसको हम फिर से प्रेशर डिफरेंस की वजह से कंडेंसर में वापस भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर हो गया। तो अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप इस ईमेल आईडी पर लिखकर मुझे भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन क्वेरीज का जवाब दे पाऊं। सो इस वीडियो में हमने लो लेवल जेट कंडेंसर्स की हमने वर्किंग को समझा, उसके जो दो टाइप है काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो उनकी वर्किंग को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाई लेवल जेट कंडेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।